बच्चों, क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। हिंदी में प्रथम अध्याय है स्पर्श। किताब में जो प्रथम अध्याय है वो है दुख का अधिकार, और इसके रचनाकार हैं यशपाल। यशपाल मध्यवर्गीय जीवन के कलाकार रहे हैं, विचारों से प्रगतिवादी रहे हैं। वर्ग संघर्ष और व्यंग इनकी कथा साहित्य की विशेषताएं रही हैं। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को भी उन्होंने समाज में आवश्यक माना है, और ये कहानी आर्थिक और सामाजिक न्याय के ऊपर व्यंग है कि किस प्रकार अमीर और गरीब को समाज दो दृष्टि से देखता है, दोनों में भेदभाव करता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया सड़क पे कुछ खरबूजे लेके बैठी है। कुछ उसके डलिया में है और कुछ उसके डलिया के बाहर बिखरा हुआ है, और वो फफक फफक के रो रही है। सभी आसपास में बात कर रहे हैं लेकिन कोई उससे खरबूजा खरीद नहीं रहा है। लेखक बहुत लोगों से पूछताछ करने के बाद लेखक को पता चलता है कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। एक दिन वो खेत में खरबूजे चुनने गया था तो सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये दुख की मार उस बुढ़िया पर ऐसी पड़ी कि अगले दिन ही उसको खरबूजा बेचने लेके आना पड़ा। क्यों? क्योंकि घर में उसकी एक बहू थी और छोटे छोटे बच्चे थे, और आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर थी कि वो दो दिन बैठ नहीं सकती थी। अगले ही दिन बच्चे खाना मांगने लगे तो उसने खरबूजा दिया, और उसकी बहू जो बहुत बीमार थी उसको वो खरबूजा कैसे देती, इसके लिए उसको डलिया में लेकर खरबूजा लेकर बेचने के लिए निकलना पड़ा। लोग गरीबों की मजबूरी नहीं समझते हैं बल्कि उस पर व्यंग करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, फब्तियाँ कसते हैं। आसपास के जितने दुकानदार थे वे सारे एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं कि ये कैसी महिला है, कैसी बुढ़िया है जो अगले ही दिन अपने बेटे की मृत्यु के बाद बेचने चली आती है। इसके लिए पैसा ही सब कुछ है, इसके लिए खसम लुगाई बेटा कुछ नहीं है, पैसा के सामने इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये व्यंग सुनकर लेखक बहुत विह्वल होते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है, कि बुढ़िया कौन सी मजबूरी है कि बुढ़िया को अगले ही दिन खरबूजा बेचने आना पड़ा। और जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि जो कुछ भी उसके पास पैसे थे, घर में अनाज था, वो सारा अगले दिन उसने क्रिया कर्म में लगा दिया। और छन्नी ककना एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है मामूली गहना, सारा कुछ उसने बेच दिया, और बेचने के बाद अब उसके पास कुछ नहीं रह जाता जिसके कारण उसको खरबूजा बेचने आना पड़ता है। तो इतनी बड़ी मजबूरी है समाज में कि जो साधन विहीन होते हैं उनको शोक मनाने का भी अधिकार नहीं होता है, और जो साधन युक्त होते हैं उनको हर तरह की सुविधा होती है, उनके लिए उनको लोग सांत्वना देने आते हैं। इसे सांत्वना के दो बोल तो छोड़िए, कोई उससे पूछता तक नहीं है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। बहुत मार्मिक कहानी है, और सबसे पहले लेखक एक इस बिंदु पर दृष्टि डालता है कि कभी कभी समाज में हमारा जो पोशाक होता है वो बहुत बड़ा बाधक बन जाता है, क्योंकि साधक भी है और वो बाधक भी है। साधक इसलिए कि जो अच्छे पोशाक में होते हैं उनके लिए सारे रास्ते खुले होते हैं,
सभी उसकी सहायता करते हैं, सम्मान करते हैं, और जो साधारण पोशाक में होते हैं उसको कोई भाव नहीं देता है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। और इस प्रकार वो ये उनका पोशाक जो है लेखक का, वो बाधक बनता है बुढ़िया के दुख को जानने में। इससे लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि पोशाक अड़चन बनती है उनके लिए सबसे पहले, और इस अड़चन के कारण वो जान नहीं पाते हैं, और जब जानते हैं तो बहुत उन्हें दुख होता है जब उनको सारी बातों का पता चलता है। तो इस प्रकार आप सभी इस कहानी को पढ़ेंगे और जो कठिन शब्दार्थ होगा उसे लिख लेंगे और लिख के याद करेंगे, ताकि हम अगले क्लास में इस कहानी को ख़त्म भी करेंगे और उसके बारे में जहाँ भी परेशानी होगी इसकी चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।